Good morning, Bacho. You are welcome in today's EVS class. Bacho, hum log EVS mein left-right ka concept padh rahe the. Left-right ke concept mein pichle video mein hum logon ne padha tha. Ruchira ke bare mein. रुचिरा के दाहिनी तरफ एक एनिमल का चित्र बनाना था, सामने टी का पेड़ माने चित्र बनाना था, पीछे उसके जो है एक किताब बनानी थी और उसके लेफ्ट साइड एक चेयर बनानी थी. तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था पेज नंबर 147 में. 147 में हम लोगों ने देखा था रुचिरा को गाइडेंस चाहिए था. गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, माने घर से स्कूल कैसे वो जाती है. तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि ये है रुचिरा का हाउस, घर है उसका. तो यहाँ से रुचिरा अपने घर से निकलती है और अपने राइट टर्न लेती है. सबसे पहले वो अपने राइट टर्न लेती है. राइट टर्न लेने के बाद उसके लेफ्ट साइड में एक हाउस पड़ता है और हैंडपम्प पड़ता है. और हैंडपम्प के बाद जैसे ही वो अपने लेफ्ट टर्न पे आती है, अपने लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न के बाद राइट साइड में उसके माने दाहिने तरफ उसके एक पेड़ पड़ता है और पेड़ के बाद राइट साइड में ही एक पार्क होता है और पार्क के से ही वो अपने लेफ्ट टर्न कर जाती है, माने अपने बाएं टर्न कर जाती है. और उसके बाद लेफ्ट उसके राइट साइड में ही उसके एक वेल पड़ता है, कुआं पड़ता है. और फिर उसके बाद वो पुनः अपने राइट टर्न ले लेती है. और राइट टर्न लेने के बाद कुछ दूर चलती है और चलते ही उसको एक पोस्ट ऑफिस मिलता है. और पोस्ट ऑफिस के बाद जैसे ही वो जाती है उसके लेफ्ट साइड में बस स्टॉप और हॉस्पिटल पड़ते हैं. और जैसे ही बस स्टॉप से वो अपने राइट टर्न लेती है, राइट टर्न लेने के बाद लेफ्ट साइड में उसके एक शॉप पड़ती है, शॉप. और शॉप के बाद एक पेड़ पड़ता है राइट साइड में ही. और फिर जैसे ही वो टर्न होती है राइट साइड में ही ट्री के बाद उसका स्कूल आ जाता है. तो ये है उसका माने मैप. तो इसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है. तो इसमें आप इसमें हमको ये एक्सरसाइज में बताना है विच प्लेसेस एंड थिंग्स वेयर रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल राइट देयर नेम्स, माने कौन कौन सी चीज़ें वो अपने घर से स्कूल में जाते समय वो पाती है. तो सबसे पहले रुचिरा का हाउस होता है, फिर एक माने उसका एक घर पड़ता है, एक और घर पड़ता है, फिर उसके बाद हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प के बाद ही एक ट्री होता है, ट्री के बाद एक लेफ्ट साइड जो है उसके कुआं होता है, वेल. और फिर उसके राइट साइड ही एक पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस के बाद लेफ्ट साइड में बस स्टॉप और हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद लेफ्ट साइड में ही एक शॉप होती है, शॉप के बाद लेफ्ट साइड में ही एक ट्री पड़ता है और फिर उसका स्कूल आ जाता है. तो ये इतनी चीज़ें उसके रास्ते में पड़ती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट. इन चीज़ों में से
कौन सी चीजें वो अपने लेफ्ट साइड में पाती है और कौन सी चीजें वो अपने राइट साइड में पाती है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट साइड में उसको क्या मिलता है। तो अपने घर से जैसे ही निकलती है तो राइट साइड में उसको सबसे पहले देखिए, ये राइट साइड में आप देखिए कि ये ट्री है और इधर ये पार्क है, उसको राइट साइड में मिलते हैं ये, और ये बाकी जो है ये सब लेफ्ट साइड में है। तो राइट साइड में ट्री और पार्क, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो एक वेल मिलता है और पोस्ट ऑफिस मिलता है, ये भी राइट साइड में होते हैं। तो वेल और पोस्ट ऑफिस ये राइट साइड में मिलते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में एक अनदर घर मिलते हाउस मिलता है और हैंडपंप मिलता है, और हैंडपंप के बाद हॉस्पिटल, बस स्टॉप और स्कूल से पहले जो ट्री मिलता है वो भी राइट लेफ्ट साइड ही होता है। तो ये चीज़ें लेफ्ट साइड में उसको मिलती हैं। हाउ मैनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक टर्न ऑन हर वे फ्रॉम द स्कूल, अपने घर से स्कूल जाते समय उसको कितने टर्न लेने पड़े। तो हमने बताया कि अपने घर से चलते समय पहला टर्न ये लिया वन, दूसरा टर्न ये लिया, फिर उसके बाद तीसरा टर्न, फिर ये चौथा टर्न, एंड देन ये पांचवें टर्न के बाद उसको अपना स्कूल मिल जाता है। तो इस प्रकार से फाइव टर्न उसको लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे फाइव। ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अर्लियर पिक्चर, अगले पेज में इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, ये तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, हैंडपम्प का बना है, हाउस का बना है, और कुएं का, पोस्ट ऑफिस का, पार्क का, हॉस्पिटल और शॉप, स्कूल, ट्रीज वगैरह के, बस स्टॉप के चित्र बने हैं। तो ये इसका एक छोटा वर्जन अगले पेज में है। ऑन दिस इन दिस देयर आर सिंबल्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर्स, माने इन पिक्चर के स्थान पर सिंबल्स दिए हुए, सच अ पिक्चर इज कॉल्ड मैप, और इस तरह के पिक्चर जो कि सिंबल के द्वारा शो किए जाते हैं उनको हम मैप कहते हैं, नक्शा जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो मैप में चीज़ें जो है पिक्चर से न शो करके सिंबल के रूप में शो किए जाते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देम, और उन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उनको लिखना। तो सबसे पहले ये जो स्टार बना हुआ है ये रुचिरा का हाउस है। क्या है ये रुचिरा का हाउस, जहाँ से कि वो निकलती है। तो बच्चों ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये सिंबल्स बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे रुचिराज हाउस। अब इसके बाद देखिए, अब फर्स्ट टर्निंग पे उसको एक घर मिलता है, तो ये हट की तरह देखिए बना हुआ है, तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे हाउस। क्या लिखेंगे, हाउस। हाउस के बाद फिर अपने वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न के बाद राइट साइड में उसको एक पेड़ मिलता है, देख रहे हैं पेड़। तो यहाँ पर इसको ट्री लिख देंगे सिंबल में। फिर उस इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में दाहिनी तरफ, बाईं तरफ एक कुआं मिलता है, देख रहे हैं ये कुएं की तरह या हैंडपम्प, हाँ सॉरी हैंडपम्प की तरह मिलता है, तो ये हैंडपम्प यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जब उसको अपने लेफ्ट टर्न होना होता है, उसी के सामने जो है इस रोड टर्निंग के सामने उसको एक पार्क मिलता है। क्या मिलता है, पार्क मिलता है। तो ये पार्क का गेट है, तो यहाँ पर हम पार्क लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ा, तो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद उसको एक कुआं मिलता है। क्या मिलता है, कुआं मिलता है, वेल। तो इसको यहाँ पर ये वेल लिख देते हैं। वेल के बाद फिर उसको यहाँ पर बाईं तरफ देखिए बस स्टॉप मिलता है। क्या है ये, बस स्टॉप। तो यहाँ पर ये हमने बस स्टॉप लिख दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा,
राइट साइड में उसके ये पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पर हम उसको पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, तो ये पोस्ट ऑफिस लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए रेड कलर का प्लस का चिन्ह है, तो ये हॉस्पिटल का चिन्ह होता है। क्या होता है? हॉस्पिटल का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हॉस्पिटल। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, अपने जैसे ही वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न माने लास्ट ये फिफ्थ टर्न है उसकी, के बाद एक यहाँ पे देखिए गोला चिन्ह बना हुआ है, और ये तो ये एक शॉप का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये शॉप होती है, तो इसको इस चिन्ह से हम डिनोट करेंगे, तो ये शॉप हो गया। शॉप के बाद आगे देखिए फिर ये ट्री है, तो यहाँ पर ये ट्री हम शो कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए ये क्रॉस बना हुआ है, और यहाँ पर ये स्कूल है, यहीं पर उसका स्कूल है, तो यहाँ पर ये स्कूल लिख देंगे ये, तो ये यहाँ पर हमने स्कूल लिख दिया। तो ये इस प्रकार से ये एक मैप कंप्लीट हो गया। तो ये पहले वाले पिक्चर का एक मैप वर्जन है, जो कि सिंबल के रूप में शो किया जाता है। कैन यू टेल व्हाई दिस सिंबल्स आर यूज, क्यों ये सिंबल यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये सिंबल्स जो है इजी टू शो होते हैं, आसानी से हम इसको शो कर सकते हैं मैप में, और वैसे में चित्र बनाने में दिक्कत होती है, तो वो कठिन काम होता है, तो इसलिए सिंबल बनाए जाते हैं, बिकॉज सिंबल्स आर इजी टू ड्रॉ, माने उनको ड्रॉ करना आसान होता है। तो बच्चों ये था पेज नंबर 149 तक का, तो इसको आप लोग करेंगे अपनी बुक में भी और कॉपी में, ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो मैं ये बुक की भी फ़ोटो खींच के और कॉपी में लिख करके क्वेश्चन के आंसर्स आपको भेज दूंगा, और आप उसको अपनी कॉपी पर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।